फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन से और किचन से, क्योंकि हाउसवाइफ का जो काम होता है वो किचन से शुरू होता है और किचन में ही ख़त्म होता है। तो इसलिए आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग सीधे किचन से ही कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर पुलाव, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ तैयारी। और गाजर इधर मैंने कट करके ले लिए हैं, और अदरक मैंने लंबे लंबे पीसेस में अदरक कट कर दिया है। और इसके बाद ये मैंने इधर खड़े मसाले ले लिए हैं, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है। और सबसे मुश्किल काम जो मैं कर रही हूँ वो है हरी मिर्च में चीरा लगाने का काम। तो उसे मैंने 4 हरी मिर्च ले ली हैं और इनको भी मैंने बीच में से कट कर दिया है। उसके बाद ले लूँगी मैं घी कढ़ाई में, और मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ मटर पनीर पुलाव। और इधर मैंने ले लिए पनीर के पीसेज, इनको मैं पहले थोड़ा फ्राई कर दूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि पनीर को फ्राई करके डालते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। और इधर मैं इनको भूनने लग गई हूँ पनीर को, और ये भून चुका है। कढ़ाई मेरी थोड़ा सा स्टील वाली है, नॉन स्टिक नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा नीचे लग जा रहा है, आपको दिख रहा है ऐसा ब्लैक ब्लैक सी हो गई है कढ़ाई, पर इसमें कुछ ऐसे जलेगा नहीं। और उसके बाद मैंने 8-10 काजू ले लिए हैं, इनको भी मैं भून के ले लूँगी काजू को। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें जीरा और तेज़पत्ता, बाकी जो मैंने खड़े मसाले लिए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और हरी मिर्च, अदरक, इसमें सब चीज़ मैं ऐड कर दूंगी। और प्याज का यूज़ मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आज व्रत है पूर्णमासी का, इस वजह से लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करूंगी। और इधर मैंने चावल भिगा दिए थे, और भिगाने के बाद पहले थोड़ा सा चावल मैं भून लूंगी इसमें। चावल जितने ज़्यादा भुने हुए होते हैं पुलाव उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें मटर, तो मटर ऐड करने के बाद फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा सा और भूनूंगी इसे कम से कम 2-4 मिनट। और बेसिक से जो मसाले हैं, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अच्छे से कर लेंगे इनको मिक्स। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी, और फिर नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक पहले डाल के नमक का आइडिया नहीं आता है। उसके बाद लगा दूँगी इसमें ढक्कन। और इधर बच्चे आ गए स्कूल से, और ये देखिए हाई कर रहा है ये स्कूल से आकर के, और ये कैमरे के सामने काम आता है बड़ा बच्चा। तो इधर मेरा पुलाव बन चुका है, और मैंने पनीर इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद ऐड कर दूंगी मैं इसमें धनिया। अब मैं फटाफट से लगा दूंगी इनके लिए खाना, और उसके बाद क्योंकि मुझे जल्दी से किचन भी क्लीन करनी है और बर्तन भी वॉश करने हैं फटाफट से। और उसके बाद मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे सीधे शाम को। तो इधर मैंने साफ़ कर दिया है सब कुछ, काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया, बर्तन भी साफ़ कर दिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे शाम को। और दिन से अब मैं मिलनी हूँ सीधे आपसे शाम को। और इधर मैंने चाय बना दी है, और शाम के खाने की तैयारी भी मैंने कर ली है। इधर मैंने भिगा दिए हैं छोले और आलू गोभी की सूखी सब्जी, व्रत में अच्छी लगती है। इधर मैं छान दूंगी चाय। और शाम का टाइम हो गया, इधर बच्चे कर रहे हैं अपना होमवर्क, और ये बार बार इधर ही देखा है कैमरे को, इसको अच्छा लगता है कैमरे में आना। और लेकिन जो बड़ा वाला बेटा है मेरा, वो नहीं आता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इधर मैं कर दूँगी शाम को कपड़ों की तह लगा दूँगी, और अच्छे से सारे कपड़े जो हैं मैं अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी उनको, क्योंकि कपड़े ये काफ़ी बिखर जाते हैं अगर पहले दिन तह करके ना लगाओ उनकी। तो और अब मैं आ गई हूँ किचन में इधर, और अब मुझे बनाना है प्रसाद। तो सबसे पहले मैंने खाना बना लिया था, सब्जी बना ली थी, लेकिन छोले मैंने उबाल दिए थे, अभी छौंके नहीं हैं। तो उसके बाद इधर खीर बन रही है, और मैं थोड़ा सा गैस साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं प्रसाद बना लूँगी। और मुझे बार बार हाथ धोने और हाथ पोछने की एक बुरी सी बीमारी है, तो मैं जो भी काम करती हूँ तो बार बार मुझे हाथ धोती रहती हूँ और हाथों को पोछती रहती हूँ। तो यही एक ख़राब सी आदत या अच्छी सी आदत, जो भी आप समझो इसे। तो उसके बाद मैंने इधर प्रसाद भून लिया है, और उसके बाद प्रसाद मैं निकाल लूँगी। इधर प्रसाद तैयार हो गया, और इधर ये कर रहे हैं काम, ये बहुत परेशान करता है, उसे पढ़ने नहीं देता है, तो इसलिए मैं इसे अलग बैठाती हूँ पढ़ने के लिए और उसको अलग।
और इधर मेरे जो थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, और बच्चों को इधर मैं दूध गर्म करके दे दूँगी, और बच्चे दूध पीने के लिए मना कर रहे हैं तो उनके लिए कॉफ़ी बना दूँगी। तो मुझे बता रहे हैं यहाँ पे कि कॉफ़ी कैसे बनती है। तो अब मैं कर लूँगी पूजा की तैयारी, और छोले में बाद में छौंकूँगी क्योंकि अभी पूजा का टाइम हो रहा है और इस समय हम लोग कर लेंगे पूजा। तो इधर मैं आ गई हूँ यहाँ मंदिर में और हम लोग कर लेंगे पूजा, और पूजा की जो ज़्यादा क्लिप है वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि अगर मैंने आपको दिखाई तो आप काफ़ी बोर हो जाएंगे। तो इस वजह से जितना भी थोड़ा बहुत जो क्लिप है वही मैं शूट करूँगी और वही आप लोगों को दिखाऊँगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट से जल्दी से मैं छोले छौंक दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और इधर मैंने तेज पत्ता मसाले डाल दिए हैं और टमाटर मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था। बेसिक से मसाले में इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर, और ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करूँगी। खड़े मसाले भी मैंने थोड़े से ही डाले हैं। उसके बाद मैं छोले डाल दूँगी इसमें थोड़े से, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं है तो थोड़ा छोले पतले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने मैसर की हेल्प से उन्हें थोड़ा मैस कर दिया। बाकी जो छोले वो भी मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं, और ज़्यादा गाढ़े नहीं बनाऊंगी क्योंकि व्रत है तो व्रत में ज़्यादा गाढ़े छोले खाए नहीं जाते हैं। और इधर मिला लूँगी मैं इसमें धनिया, और फटाफट से मैं रोटियाँ सेक दूँगी जल्दी से, और फटाफट से बच्चों को दे दूँगी खाना। मैंने खीर भी बनाई थी, उसकी क्लिप दिखाना मैं आपको भूल गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।